मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा निर्णय लेते हुए बताया कि सभी सुरक्षात्मक उपायों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए 26 अप्रैल से प्रदेश के संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर सभी गांवों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जा सकेंगी। यदि कोई गांव कंटेनमेंट एरिया में है तो वहां दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। सीएम ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर मोहल्लों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जा सकती हैं। शहरों में मुख्य बाजार, मॉल, सिनेमाघर, जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून आदि को खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, खरगोन और संक्रमित क्षेत्रों में कोई भी दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए प्रत्येक जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन किया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप अपने जिले की परिस्थितियों को देखते हुए दुकानें खोलने या न खोलने का फैसला कर सकते हैं। मोहल्लों में बाजार करेली खुले हैं, लेकिन मॉल, सिनेमा घर, जिम, होटल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, ब्यूटी पार्लर जैसी दुकानें नहीं खुलेंगी। हमको सावधानी रखना है, हमें सावधानी नहीं सुरक्षा है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, खरगोन में हम दुकानें खोलने का फैसला नहीं कर रहे हैं। मोहल्लों में भी कंटेनमेंट एरिया में कहीं भी सफाई नहीं, कंटेनमेंट एरिया की तो दुकानें हॉटस्पॉट की दुकानें बंद ही रहेंगी, लेकिन कंटेनमेंट एरिया के बाहर दुकान खोलने का निर्णय स्थानीय प्रशासन जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक करके करेगा। परिस्थितियों के अनुसार उनको फैसला करना है। दोहराता हूं, हॉटस्पॉट में दुकानें नहीं खुलेगी, कंटेनमेंट एरिया में नहीं खुलेगी। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, धार, जबलपुर, खरगोन उन नगरों में भी दुकानें नहीं खुलेंगी। कंटेनमेंट एरिया के बाहर जिला प्रशासन और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बहुत सोच समझ कर फैसला करेगा। ये व्यवस्थाएं हमने बनाई है, उसके निर्देश मिल जाएंगे।